खबरों में है दम, सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़। हम नहीं, हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। मंडला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा महिला से की गई धक्का मुक्की। मंडला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन दिनांक 29/9/2022 को बुधवारी चौक पर हुआ। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की महिला अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाना था, जिसमें ओबीसी आरक्षण से संबंधित कुछ चर्चाएं भी करनी थी, परंतु भाजपा जिला अध्यक्ष भीषम द्विवेदी द्वारा महिला को धक्का मुक्की कर मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इस संबंध पर जागृति पटेल ओबीसी महिला जिला अध्यक्ष द्वारा मंडला एसडीओपी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। वहीं थाना प्रभारी आशीष धुर्वे को भी ज्ञापन दिया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। जागृति पटेल के साथ जिले के ओबीसी सदस्य एवं पदाधिकारी ज्ञापन देने में साथ में रहे। वहीं जिला अध्यक्ष भीषम द्विवेदी का कहना है कि मैंने किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं की, मेरे पास सारे वीडियो उपलब्ध हैं, बल्कि मैंने उन्हें बहन जी से संबोधित किया। मेरे ऊपर लगे सारे आरोप सरासर गलत हैं। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। कल सीएम सर आए थे तो हम लोग ज्ञापन देने गए थे महिला संगठन के द्वारा। वहाँ पर मुझे भीषम द्विवेदी के द्वारा मुझे अपमानित किया गया है, धक्का मुक्की की गई है। और मैं जबकि वहाँ सिर्फ ओबीसी जाति का जनगणना का ज्ञापन देने गई थी, मुझे अपनी बात भी नहीं रखनी थी और धक्का मुक्की कर। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।